बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मास्टर जाबिर बंगश फिर एक वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गले के हवाले से जो सेल डिफेंस है वो मैंने 3-4 वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, और मैंने तो हर वीडियो में ये बात आपको बताई भी है कि हर वीडियो के जो सेल डिफेंस है उसके पहलू बहुत ज़्यादा है। मतलब हम एक को अगर करना चाहे तो वो कम से कम 50 भी बना सकते हैं, उसके अंदर उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। दिमाग आपका जब अगर हाजिर है तो उसके दौरान आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक मैसेज ज़रूरी ये था कि प्रैक्टिस के हवाले से मैं अक्सर आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि घर में प्रैक्टिस करें। तो आज एक खातून नॉर्थ कराची की तरफ से उसके कॉल आई थी कि बेटा मैं जो है ना चल फिर नहीं सकती, मतलब मेरे पाँव जो है वो सूज गए बैठ बैठ के, तो उसके लिए मतलब अगर मैं भी प्रैक्टिस करना चाहूँ तो क्या करें। तो सिंपल मतलब अगर आप घर में उन खातून के लिए और उस हवाले से, अच्छा उसको तो मैंने ये मतलब कॉल पे बता दिया कि आपने क्या करना है, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाऊं ताकि इससे और भी लोगों को फ़ायदा हो। सपोज़ करो मैं चल फिरने से कासिर हूँ, सही है ना, हम बैठे हुए यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर बॉल को हाथ में पकड़ लो, कोई छोटा सा वो नरम बॉल होते हैं उसको बार बार दबाए, यूँ करे अपने हाथों को यूँ दबाए, ये उसके लिए जो कि चलने फिरने से कासिर हो। अगर कोई चलने फिरने से नहीं, उसको सुस्ती भी हो रही है, सपोज़ करो एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनको सुस्ती हो, वो करने ही नहीं चाहते वो, तो वो बैठे बैठे ये कर ले, थोड़ा बहुत जो है ना आपको 50% आपको इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह सेल्फ डिफेंस की तरफ चलते हैं। ख्वातीन के लिए खुसूसन ये सेल्फ डिफेंस है, वो कोशिश करें कि अगर उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह इसको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये पहले इसको छोड़ दो, पहले मेरा गला पकड़ लो ऐसे। अब एक बहुत कमज़ोर आदमी है उसको मतलब पकड़ने वाला, वो बड़ा तगड़ा है, वो जो मैंने बताया गिराना शोल्डर से वो सब वो अलग है। ठीक है, अब इसने पकड़ा है, सही है, अब मैं इसको नहीं छुड़ा नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं करना। आपने अपनी ये फिंगर है, ये फिंगर दिखाओ इसको, ये नज़र आ रही है, यहाँ पे ये फिंगर ज़ोर से मारना है, ज़ोर से मार, ये दो फिंगर मार सकते हो तो दोनों मार, इसको झटका देना है, इसको झटका देना। देखो अभी थोड़ा सा ये देखो लाल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब फिंगर मारेंगे तो उसको झटका लगेगा और ये अजीब सा महसूस करेगा, वो आपको उसी वक्त जो अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा था, 1 सही, ये आपने क्या करें 1, मामूली बहुत ईजी है, सिंपल ये चीज़ें, बस फिंगर मारने आपने। ठीक है, अब दूसरा, अब इसी तरह अगर कोई वो, अच्छा बहुत सारे सवाल ये भी है कि वो अगर कोई आपके चेहरे पे मतलब मुंह पे तकिया रखे, मजाक मस्ती में भी होते हैं कुछ मामला, तो वैसे केसेस आए भी है, तो उससे अपना दिफा कैसे करें, तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास तकिया यहाँ मौजूद नहीं है, किसी बच्चे का बैग ये हम अपने गले पे रखे हो मुंह पे रखेंगे तो आपको करके दिखाते हैं। चलो अब ये नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त मेरे ऊपर इसने ये तकिया रखा हुआ है, अब तक कि अच्छा लोग घबराने के बाद जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाते, लेकिन ये देखे हुआ, सिर्फ हाथ क्या करना है आप दबाओ, गले के इस जगह पे इसको फुल प्रेशर से दबाना है। दूसरा क्या करना है, इससे ज्यादा आंख नजर आ रही, देखिए अब देखो ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है, आंख पे दबाना है। तीसरा ये चीज नजर आ रही है, ये बैग हटाओ थोड़ा करीब आओ, ये चीज नजर आपको, ये देखिए ये यहाँ पे इसको दबाना है, अलका समय दबाऊंगा आप देखिएगा, 1 2 ये 1 1 ये 2 ये 2 3 ये 4 आपके आँख, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ करें, दूसरा यहाँ से ये दबाना है, ये चीज़ अब यहाँ से तो प्रेस करेंगे ना वो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। तीसरा इसको
अगर तुम ऊपर से तो निकाल लगा दो ठीक है आँख से चला ये वन ये टू अब इसको दबाओ कितना अच्छी थैंक यू एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर अल्लाह हाफिज़।